हेलो एवरीवन, आई एम नूतन। VZMN एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित, आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये, जिसमें पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका आंसर है दयाराम साहनी। सेकंड क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। चौथा क्वेश्चन है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने। आंसर हुआ मुर्शीद कुली खान ने। पांचवा क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। इसका आंसर है 1856 ईस्वी में। सिक्स क्वेश्चन है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। फ्रेंड्स बताइए 1858 ईस्वी के बाद। सेवन क्वेश्चन है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। आंसर है 7 वर्ष। एट्थ क्वेश्चन है आपका आर्य भारत में कहां से आए थे। केंद्रीय एशिया से। आपका नाइन्थ क्वेश्चन है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्य अवधि में। आपका टेंथ क्वेश्चन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। आंसर हुआ चंद्रगुप्त ने। इलेवेंथ क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई। आंसर है बैरम खान और हेमू के बीच में। ट्वेल्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। आंसर है अफगानिस्तान। 13 क्वेश्चन है फ्रेंड्स मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। इस क्वेश्चन का आंसर है बाजीराव पेशवा। 14 क्वेश्चन है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। इस क्वेश्चन का आंसर है खिलजी। 15 क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। इस क्वेश्चन का आंसर है सूरत। 16 क्वेश्चन है पहली सहायक संधि कौन सी थी। आंसर हुआ निजाम। 17 क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पिता महा किसे कहा जाता है। पुरंदर दास को। 18 क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। आंसर हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 19 क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। आंसर हुआ शाहजहां। 20 क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 21 क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। आंसर है आंध्र प्रदेश में। 22 क्वेश्चन चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। आंसर है महायान संप्रदाय के द्वारा। 23 क्वेश्चन है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। आंसर है उस्ताद ईसा। 24 क्वेश्चन है फ्रेंड्स बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। आंसर है कल्कि को। 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इनमें ऑप्शन में आप देखिए आंसर है पंचमहल। 26 क्वेश्चन कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। आंसर हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। 27 क्वेश्चन
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आंसर है आर्य समाज। आप कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और दयानंद वैदिक समाज की स्थापना किसने की थी। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर। 29 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? आंसर है इसका रजिया बेगम। 30 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। 31 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? आंसर हुआ महमूद बिन कासिम। 32 क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 33 क्वेश्चन, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। 34 क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं। 36 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। 37 क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का? इसका आंसर आएगा बौद्धों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की आपको तीनों लड़ाइयों के सन याद रखने हैं। 39 क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका आंसर है पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? इसका आंसर है 1526 में। 41 क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ाया गया था? आंसर है 23 जून 1757 ईस्वी में। 42 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? आंसर है 1763 ईस्वी में। 43 क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने? आंसर है शाहजहां। 44 क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? आंसर हुआ मुख्यमंत्री। 45, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद, आला मारा, झांसी की रानी? आंसर हुआ झांसी की रानी। 46 क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? आंसर हुआ तुर्की को। 48 क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आंसर हुआ आपका 1871 ईस्वी में। 49 क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर है 1707 में। 50 क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर है 1917 में। 51 क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? आंसर हुआ आपका लेनिन। 52 क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, लेनिन या स्टालिन? इसका आंसर हुआ लेनिन। 53 क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? आंसर हुआ आपका 1921 में। 54 क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है ट्रॉट्स्की ने। 55 क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आंसर हुआ मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। 57 क्वेश्चन फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसका आंसर है जनरल डायर। 58 क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर हुआ ब्रिटिश और हैदर अली। 59 क्वेश्चन,
सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आंसर हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? आंसर है 1937। फ्रेंड्स, इस सीरीज के बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।